कार्यक्रम पे हमेशा ही धन की कमी की बात करते हैं। आज सांसद खेल महाकुंभ में लगभग 39,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, उसका आज पुरस्कार वितरण था, यानी के समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और इससे हजारों खिलाड़ियों की प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला तो लाखों रुपए के नकद पुरस्कार भी मिले। आज सांसद खेल महाकुंभ केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि 350 के लगभग सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाना शुरू किया। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि जो शुरुआत यहाँ से हुई आज उसकी धूम पूरे देश भर में, और हमें आशा है आने वाले कुछ महीनों में जब अगला होगा, कुछ दिनों के बाद जिसकी शुरुआत होगी, तो उसमें और बढ़ चढ़कर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सर आज केजरीवाल साहब उस पर नहीं गए, मतलब उन्होंने सम्मान से इनकार किया, क्या कहेंगे सर? कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी नारा लगाते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, तब भी झूठी सौगंध खाते थे, जो वायदा करते थे ईमानदार सरकार देंगे, वो वायदे भी और दावे भी फीके और खोखले हो गए, क्योंकि एक के बाद दूसरा उनका मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है और जितनों को ईमानदारी की चिट देते थे वो सारे जेल में हैं। इनके सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, अब मुख्यमंत्री की बारी आई तो तीसरी बार समन आने पे भी केजरीवाल सामने नजर नहीं आए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्या डर है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? ऐसा क्या है जो छपाना और दबाना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की जो कभी कांग्रेस को तो नसीहत देते थे, आज उसी कांग्रेस के सहयोगी भी बन गए और कांग्रेस भी आज बिल्कुल चुप है जब भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को ईडी समन करती है तो कांग्रेस के भी होंठ जल जाते हैं, मुंह में दही जम जाता है। सर वहीं शिबू सोरेन पे भी आज रेड हुई है, तो उनके 16 ठिकानों पे शायद ऐसा कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, 10 साल ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी, कामकाज में पारदर्शिता लाए, जवाबदेही की, देश का लाखों करोड़ बचाए, तो दूसरी और जांच एजेंसियों ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार नेता हो, राजनीतिक दल हो या कोई व्यापारी या अधिकारी हो, कड़ी कार्रवाई की है जिसका हम स्वागत करते हैं। और मुझे इस बात का खेद है कि कुछ राजनीतिक दल जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, इंडी अलायंस के सहयोगी हैं, उसका हिस्सा है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, रेड हुई, अरबों रुपए जिनके सामने आए, आज वो ईडी की जान से भागते हुए नजर आ रहे हैं।